बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो सर्दियों का सीज़न है, ये काट में ये सूट है, बहुत ही ज़बरदस्त सा सूट है। ये इस तरह से इसको, ये इसकी सीधी साइड है, मैंने इसको उल्टा कर लिया है। तो इसके साथ ये लेस इसी तरह से सूट के साथ में नहीं है, ये देखें सेम। मैं उसी तरह से सूट रेडी करूँगी जिस तरह से काट पर इसकी डिज़ाइनिंग थी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग थी। तो ये देखें लेस इसके, देखें ब्लैक कलर में, इसमें ब्लैक और गोल्डन का टच है। ग्रीन कलर में ये सूट है, बहुत ही खूबसूरत सा ये काट में सूट है। देखें इसकी फ्रंट और बैक को मैंने उल्टा करके प्रेस कर लिया था। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। ये देखें इस तरह से। तो जब एक ही बंदे के आपको दो तीन सूट स्टिच करने के लिए हों तो आपको बार बार उसकी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगी कि आपके पास एक ही साइज़ के दो तीन सूट आ जाएं तो आप उनकी कटिंग एक ही साइज़ में करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको हर दफ़ा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आप एक सूट की कटिंग कर लें तो उसके ऊपर आकर इसकी कटिंग कर लें दूसरे सूट की। तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पहले जो मैंने सूट कटिंग किया उसकी वीडियो बनाई, इसकी किस तरह से उसके साथ मेजरमेंट करके कटिंग करूँगी। तो देखें इस सूट की पहले कटिंग मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दिया कि मैंने इसको किस तरह से रखा है, कितना रखा है। ये देखें, ये मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। यहाँ से इसका तीरा मैंने जो रखा है 7.5 इंच पर रखा है और यहाँ से इसका चेस्ट का साइज़ 22 इंच है। इसकी फिटिंग टोटल मुझे 20 इंच तैयार करनी है। तो ये बैक का पीस है, इस पर मैंने प्लेट लगानी है तो इसकी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है, तो इसको मैंने 11 इंच रखा है। फ्रंट की मैंने 10 इंच रखी है। तो यहाँ से इसका जो दामन मुझे तैयार करना है वो 23 इंच तैयार करना है। जितना हमारा हिप का साइज़ होता है उतना ही दामन का साइज़ होता है। तो यहाँ मैंने इसको 11.5 रखा है, ये देखें। तो 2 इंच मैंने इसकी लैस लगानी है उसके लिए रखा है। तो जितना इसकी लैस भी फोल्डिंग करके ऊपर लगाई जाएगी तो इतना ही तकरीबन मैं ये रख लूँगी, या इससे थोड़ा बहुत आप कम भी कर सकते हैं। तो अब क्योंकि एक ही शख्स के हैं मेरे पास, एक ही मेरे कस्टमर के दोनों सूट हैं, तो देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर इसको रख लूँगी। ये मुझे 14 इंच इसको तैयार करना था, तो इसके यहाँ से मैं 14 इंच करके आपको एक नाइन लगा कर दिखाऊंगी, वहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इतना जो 14 इंच हो गया, इसकी सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ मैंने निकाल दिया, तो इसी तरह से इस पर मैं इस तरह से रखूंगी। ये इसकी सिलाई का मार्जिन है, नीचे ये सारा इसका बॉर्डर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर रखकर इसकी मैंने कटिंग कर देनी है, कोई मुझे मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज़ इसी तरह का मुझे इसको भी रेडी करना है, इसकी कटिंग सेम है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी यहाँ से सारी, ये देखें इस तरह से। तो ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से, सेम इसके ऊपर रखकर इस तरह से। तो जिस तरह फ्रंट की कटिंग है सेम उसी तरह से मैं फ्रंट की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए दूसरे सूट पर आकर मैंने इसकी आपको कटिंग बताई थी कि किस तरह से, अगर आपके पास एक ही साइज़ के सूट हों तो आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, ये इसके साथ लैस आई थी तो मैंने इसको गले पर इस तरह से लगाया। ये देखें यहाँ से मैंने सिंपल इसका वी गला बनाया। बनाने के बाद इस लैस को मैंने यहाँ पर रख इस तरह से स्टिच किया। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके नीचे से इसकी नोक बना दी और यहाँ से मैंने ये थोड़ी सी जगह इस तरह से छोड़ दी। ऐसे लग रहा है जैसे अलग से कपड़ा लगा और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है, एक यूनिक सा गला बन गया खूबसूरत सा। तो इसके नीचे दामन पर देखें, दामन पर सेम इसी तरह से जो इसके साथ इसका कार्ड आया उस पर इसी तरह से लैस लगी हुई थी। देखें नीचे दामन पर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी अर्सा पहले इस तरह से लगाते थे, कढ़ाई करते थे, लैस लगाते थे। तो फिर सेम उसी तरह से दोबारा फिर उसी डिज़ाइनिंग का फैशन का कह लें दोबारा से रिवाज हो गया है, तो इसी तरह से लगा रहे हैं। बाजू इसके देखें, तो बाजू की मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, इसकी वीडियो तो मैं नहीं बना सकी, मैंने इस तरह से इस पर पेंटिंग्स बनाई। ये देखें 3 एक साइड पर इस तरह से थोड़ा जे पफ वाला इस तरह से बाजू बन गया। आगे मैंने इसके ये वाली इसके साथ जो लैस थी वो लगा दी, बहुत ही खूबसूरत सी जो काट में ये शर्ट बन के रेडी है। तो इसकी बैक देखें, बैक पर मैंने इस तरह से इसके लैस लगाई है, जस्ट मैंने इसके नीचे लैस लगा दी। ये देखें ये इसके साथ 4 गज सूट के साथ ही लैस आई थी क्योंकि मैं 5 गज
लेस दरकार होती है, तो थोड़ी कम पड़ रही थी, तो इस तरह से मैंने बैक के नीचे लगा दी। दामन पर लगाने के बाद साइड मैंने इस तरह से छोड़ दी, जो इसमें से बची थी लेस वो मैंने इस तरह से गले पर लगा दी। ये देखें, ये मैंने गले पर लगा दी, खूबसूरत सी यूनिक सी लुक आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।